वेलकम टू स्टडी बेटर। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे द्वीप के विषय में, आइसलैंड्स के विषय में। इंग्लिश में बोलते हैं आइसलैंड्स, आइसलैंड, ठीक है। और हम लोग देखेंगे द्वीप के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से। इसके अलावा भी आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें देखिए आइसलैंड जो द्वीप बोलते हैं, ये स्थलखंड का एक ऐसा भाग होता है जिनके चारों तरफ क्या होता है, जल का विस्तार पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत का लक्षद्वीप अंडमान निकोबार एक द्वीप है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, जल ही जल है। इसके अलावा श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तस्मानिया द्वीप हो गया, ठीक है। और भी इधर देख सकते हैं हवाई द्वीप, यहाँ पर बहुत फेमस इससे क्वेश्चन आता है। न्यू फाउंडलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, सब द्वीप हैं, ठीक है। और जापान का देखिए होकडे, होन्सू और क्यूशू एक द्वीप है, ठीक है। फोकलैंड यहाँ भी देख सकते हैं। इस तरह आप मैप में एक बार सारे को देख लीजिए। बहामास, क्यूबा भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आया हुआ। देखिए विश्व के जो प्रमुख द्वीप हैं, इसमें से ग्रीनलैंड है जो कि आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 21,686 वर्ग किलोमीटर। निगुनी हो गया, बोर्नियो हो गया, मेडागास्कर हो गया, बैफिन हो गया, और सुमात्रा जो कि हिंद महासागर में है, होन्शू आपको उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, ग्रेट ब्रिटेन जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में है, विक्टोरिया द्वीप जो कि उत्तरी ध्रुव महासागर में है। इस तरह देखिए जो कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप का हिस्सा नहीं है या भाग नहीं है, उसका राइट आंसर है तिनियन। तो जो हिस्सा है वो है टोंगा, तुवालु और ताहिती है, ठीक है। इन द्वीपों में देखा जाए अगर तो न्यूजीलैंड, तुवालु, समोआ, टोंगा, हवाई, ईस्टर, कुक और पूर्वी किरीबाती आदि को सम्मिलित किया गया है। इन द्वीपों क्या बोलते हैं, हरी मणि बोलते हैं। और निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड का माना जाता है, जो कि है इसका राइट आंसर पॉलिनेशिया, जो कि न्यूजीलैंड का हिस्सा माना जाता है, जो कि ऊपर आपने देखा इसका डिस्कशन। निम्नलिखित प्रशांत महासागर द्वीपों में कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है सोलोमन द्वीप। निम्नलिखित द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम बताना है, तो देखिए इसमें सुमात्रा है, जावा, बाली, लोमबोक जो कि इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। इसके मुख्य द्वीप को जो पश्चिम से पूर्व क्रम से सुमात्रा, जावा, बाली और लोमबोक है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इसमें राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ओनली टू ऑप्शन जो कि करेक्ट है। और इसमें देख सकते हैं इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया, ऑप्शन नंबर दो। सकोत्रो द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित है और यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। देखिए इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, इसका राइट आंसर मडीरा जो कि कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है और यह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ठीक है, जो कि एक पुर्तगाल का स्वायत्त क्षेत्र है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सही सुमृत करना है, देखिए लुजोन का संबंध जो कि प्रशांत महासागर से है, मेडागास्कर का संबंध है हिंद महासागर से, ग्रीनलैंड का संबंध अटलांटिक महासागर से और बैफिन का संबंध आर्कटिक महासागर से है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, आपको पता है इंडोनेशिया, जो कि यहाँ पे 17,000 से भी अधिक द्वीप हैं, लगभग 6,000 द्वीप रहने योग्य हैं, ठीक है। और इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मीन्स बोर्नियो। इसमें अगर देखा जाए टोटल एरिया 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है, ग्रेट ब्रिटेन का दे सकते हैं, सुमात्रा का दे सकते हैं। तो विश्व में वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप जो कि ग्रीनलैंड का है, जो कि देख सकते हैं कितना है, ऑप्शन के हिसाब से बोर्नियो ही रहेगा। किलिमंतन जो कि अंग है, ये बोर्नियो द्वीप समूह का अंग है किलिमंतन, जिसमें आपको पता है इंडोनेशिया में लगभग 17,000 से भी अधिक द्वीप हैं, जो कि इंडोनेशिया आपको हिंद और प्रशांत महासागर में है। और इसके अलावा देखिए निम्नलिखित देशों में किसकी बोर्नियो द्वीप में सहभागिता नहीं है,
वो है फिलीपींस में, इसका राइट आंसर है। इसका देखिए ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया जो कि बोर्नियो द्वीप समूह में सहभागिता है। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप जो कि तीन देशों में विभाजित है, वह है बोर्नियो। डियागो गार्सिया द्वीप जो कि आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है, ये आपको देखने को मिलेगा 1 और 2, दक्षिण फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको, इसका राइट आंसर है। बरमूडा द्वीप समूह जो कि अवस्थित है, इसका राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप समूह अवस्थित है। इसके बाद देखिए सही इसका मैचिंग करना है, ऑस्ट्रेलिया का संबंध जो कि आपको देखने को मिलेगा क्रिसमस द्वीप से, डेनमार्क का संबंध आपको ग्रीनलैंड से मिलेगा, फ्रांस का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा ये मार्टिनिक से, स्पेन का संबंध जो कि सांता क्रूज से संबंधित है स्पेन का। तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्रिसमस द्वीप से संबंधित है, डेनमार्क ग्रीनलैंड फेरो द्वीप समूह बोल सकते हैं, फ्रांस का संबंध देखिए इतने सारे द्वीप से हैं, फ्रेंच गुआना हो गया, रीयूनियन हो गया, ग्वाडेलोप हो गया, और स्पेन का संबंध सांता क्रूज से। इसके अलावा देख सकते हैं कौन सा सही नहीं है, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है फॉकलैंड आर्कियोपेलेजियो इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, ये आपको सही नहीं मिलेगा। इसके अलावा नामीबिया आपको दक्षिण अफ्रीका में पता है, निकारगुआ मध्य अमेरिका में है, और यमन आपको पता है एशिया में है। इसके अलावा देख सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है जो कि बताना, इसमें से देख सकते हैं इसमें न्यूजीलैंड है जो कि दक्षिणी द्वीप जो कि क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, और न्यूजीलैंड की खोज जो कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 1769 में किया गया था। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है, बिल्कुल समीप है ऑस्ट्रेलिया के समीप, बहुत से भारतीय निवास करते हैं जाकर वहाँ पर न्यूजीलैंड में। इसके अलावा देख सकते हैं सही मिलान करना इसमें आइसलैंड्स ऑफ वर्ल्ड एंड मास्टर कंट्री, तो देखिए एलुसियन द्वीप का संबंध जो कि है यूएसए से, एलुसियन का संबंध, बियर द्वीप बहुत बार क्वेश्चन आया है नॉर्वे का संबंध है, ग्रीनलैंड का संबंध जो कि आपको डेनमार्क से मिलेगा, और फ्रांच जोसेफ द्वीप जो कि रशिया से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष का है क्वेश्चन। इसके अलावा देख सकते हैं द्वीप और सागर महासागर निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी चागोस जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा हिंद महासागर। साइप्रस का संबंध भूमध्य सागरी समुद्र से है, फॉकलैंड का दक्षिण अटलांटिक महासागर से, चागोस का हिंद महासागर से, और इसलास का संबंध है हिंद महासागर से। निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है, दक्षिणी हिंद महासागर में देखिए आपको मालदीव नहीं मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको देखिए उत्तरी हिंद महासागर में देखने को मिलेगा मालदीव, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मैप को आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए मालदीव कहाँ पे है, ठीक है मालदीव आपने देख लिया यहाँ पे भारत के किस साइड है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए क्वेश्चन में ये था कि कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित नहीं है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ठीक है तो आपने देख लिया मालदीव जो कि द्वीप दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित नहीं, जबकि चागोस हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया, ये सब दक्षिणी हिंद महासागर में, ये उत्तरी हिंद महासागर में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है EVPCS में 2004 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया द हाइट ऑफ नूक एबव द सी लेवल इज 3 मीटर, मतलब बोल सकते हैं ये ग्रीनलैंड की राजधानी आपको पता नूक है, यह द्वीप भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है परंतु प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो डेनमार्क का अधिकार क्षेत्र है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नूक जो कि ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर है, इसकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट, तो आपको पता है आइसलैंड कॉन्टिनेंट कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा है जिसका कारण द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यह विश्व का सबसे छोटा है और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप, यहाँ पे द्वीप की बात किया है, ठीक है। और 1770 में इसकी खोज हुई थी जेम्स कुक के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के हिसाब से देख रहे हैं वैसे से ग्रीनलैंड होगा, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेडागास्कर है, ठीक है, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर लेकिन यहाँ पे देखिए आपको हिंद महासागर की बात हो रही है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा बड़ा द्वीप है। देखिए यहाँ पे बड़ा द्वीप के अलावा हिंद महासागर का पूछा है, तो यहाँ पे मेडागास्कर होगा। यह आपको पता है हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी राजधानी आपने देख लिया अंतानानारिवो है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है जो कि आपको पता है हिंद महासागर में, इसको आपने मैप में देख लिया है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, दैट इज द यूएसए का राइट आंसर। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अलास्का में है। द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज अ ग्रीनलैंड, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित है, न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, बोर्नियो प्रशांत महासागर में और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। ये चारों विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े द्वीप हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है और इसके पश्चात अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी और बोर्नियो हिंद महासागर में मेडागास्कर में स्थित है। फिजी द्वीप जो कि आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो कि है उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, जो कि समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे निकट अवस्थित है। द नंबर ऑफ आइसलैंड इन द साउथ चाइना एशिया इज 250, इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसका मैचिंग करना है, सेलेबीज लुजोन न्यूफाउंडलैंड और नॉर्थ आइसलैंड का संबंध देखना है। देख सकते हैं इसमें सेलेबीज का संबंध इंडोनेशिया से है, लुजोन का है फिलीपींस से, न्यूफाउंडलैंड का संबंध है कनाडा से, नॉर्थ आइसलैंड का संबंध है न्यूजीलैंड से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के निम्नलिखित चार द्वीपों का उत्तर से दक्षिणी अनुक्रम में बताना है कौन सा सही है। इसमें देख सकते हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये जापान का आपने द्वीप हमने आपको देखा है। जापान को बोलते हैं सूर्योदय का देश या निप्पन भी बोलते हैं या सुकुमार फूलों का देश भी बोलते हैं जापान को। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जापान को जानते हैं। इसमें लगभग 3900 द्वीप हैं। इसमें सबसे बड़े जो क्षेत्रफल के अनुसार हैं होन्शु, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, इसका होकाइडो सबसे उत्तर में है, उसके बाद होन्शु है, फिर शिकोकू और सबसे फाइनली दक्षिण में क्यूशू देखने को मिलेगा। देखिए जापान का सबसे बड़ा मैदान जो क्वांटो है वो होन्शु द्वीप पे है। जापान का विशालतम द्वीप जो कि जस्ट अभी आया है होन्शु द्वीप पर। अभी नेक्स्ट देखिए, जापान के निम्नलिखित द्वीपों में उनके एरिया के आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही उत्तर से दक्षिण का क्रम और उत्तर से दक्षिण का क्रम और साथ ही साथ एरिया वाइज, तो एरिया के हिसाब से भी इसमें ऑप्शन नंबर डी है 3412, मतलब शिकोकू, क्यूशू एंड होकाइडो एंड होन्शु है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इसमें आपको सही सम्मिलित करना है वही है आइसलैंड और रीजनल स्टेट का मैचिंग करना है। अजोर्स, अजोर्स का संबंध जो कि पुर्तगाल से है, बरमूडा ये आपको यूको, कैनरी का संबंध स्पेन से एंड रीयूनियन का संबंध फ्रांस से संबंधित है। ये आइसलैंड है सब इसका द्वीप है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सूची वन को सूची टू से मिलान करना है, हार्न अंतरिप का संबंध अर्जेंटीना से, कोमोरिन अंतरिप का संबंध भारत से, केप ऑफ गुड होप आपको पता है, ठीक है, ये आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत की खोज हुई थी जब, तो उसी समय केप ऑफ गुड होप के स्थान पर आए थे पुर्तगाली सब। इसका देखिए यार्क अंतरिप ये आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इसके अलावा देखिए सिनाई प्रायद्वीपी जो कि स्थित है मिस्र में, सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का एक त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है जो कि उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में स्वेज की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में अकाबा की खाड़ी के बीच अवस्थित है। यहाँ पर देखिए पाम्बन द्वीप जो कि आपको देखने को मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है, दैट इज द गॉल पैकोज। सोकोट्रा द्वीप, सोकोट्रा द्वीप आपको यमन में देखने को मिलेगा। आइल ऑफ यूथ, आइल ऑफ यूथ कहाँ मिलता है, आइल ऑफ यूथ जो मिलता है आपको देखने को क्यूबा के निकट मिलता है आइल ऑफ यूथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टाम्प मार्क लगा लीजिए।
क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि आइल ऑफ द्वीप क्यूबा द्वीप समूह का हिस्सा है। इसे इस्ला डेला जुडवेंडू के नाम से जानते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फेरो द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में जानता है, इसको बोलते हैं आइलैंड ऑफ स्वीप। अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फेरो द्वीप का एक समूह है जिसे आइलैंड ऑफ स्वीप के नाम से जानते हैं। ग्रीनलैंड के साथ फेरो द्वीप समूह भी डेनमार्क का हिस्सा है। फेरो का अर्थ सीप होता है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है, इसका राइट आंसर है रीयूनियन द्वीप, इसका एक राइट आंसर है। और इसके अलावा देखिए रीयूनियन हिंद द्वीप जो कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व तथा मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है जिसकी राजधानी सेंट डेनिस है। देखिए इसको मैचिंग करना है, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेलिनिटी कंसंट्रेशन इसमें देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको बाल्टिक सागर में मिलेगा 3-15%, ऑप्शन नंबर बी, एंड देन नॉर्थ सागर एंड देन कैलिफोर्निया, और सबसे ज़्यादा जो कि आपको लाल सागर में देखने को मिलेगा लवड़ाता। अब इसमें देखिए मैच करना है 1, 2, 3, 4। 1 के स्थान पर कौन सा है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। सेकेंड पे कौन है, देखिए पहले नंबर पे जो कि आपको देखने को मिलेगा अजोर्स, सेकेंड नंबर पर केप वर्डे एंड देन बहामास है थर्ड नंबर पे, एंड देन फोर्थ नंबर पर अगर देखा जाए तो फोर्थ नंबर पे है फॉकलैंड। ये आपको यूपीएससी के 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा देखिए 52 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरेस जल डमरू मध्य तक 5,000 मील है जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की है। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं, इसमें से कुछ मात्रा विषुवत रेखी क्षेत्रीय शैल है और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप है। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है, दैट इज द इंडोनेशिया इज का राइट आंसर है। इंडोनेशिया में आपको पता है कि 17,000 से भी अधिक द्वीप हैं और इसमें से कुछ बड़े विशाल द्वीप हैं जिसमें से जावा सुमात्रा सेलिबीज हैं। वेयर आर द बालियारिक आइसलैंड लोकेटेड, दैट इज द मेडिटेरियन। देखिए हम लोग देखते हैं महासागरीय गर्त के विषय में, ट्रॉप के विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं महासागरीय गर्त क्या होता है। तो महासागरीय गर्त को अगर इंग्लिश वर्ड में देखा जाए तो उसको बोलते हैं ओशियन ट्रेंच बोलते हैं, जो कि महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं उसको बोलते हैं महासागरीय गर्त। और इनकी स्थिति अगर देखा जाए तो प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती हैं और द्वीपों के सहारे भी गहरी गर्त देखने को मिलता है। तो वहीं पर क्वेश्चन आ सकता है विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन है, तो मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच ठीक है। और कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है ठीक है। और इसका मेरियाना गर्त का सबसे गहरा अगर कोई बिंदु है तो उसको द्वीप है तो उसको बोलते हैं चैलेंजर द्वीप ठीक है, क्या बोलते हैं चैलेंजर द्वीप। इसके अलावा हम बात और देखें और इसका खोज के विषय में अगर देखा जाए तो इसकी खोज 1948 में हुआ था ठीक है। और इसके अलावा अगर टोटल इसका गहराई देखा जाए मेरियाना का तो 11,000, देखिए यहाँ पर 22 है, कहीं पे 33 लिखा रहता है, इतना मीटर है। देखिए इसके अलावा देखिए उत्तर प्रशांत महासागर के जो प्रमुख गर्त है उसमें से देखिए मेरियाना तो आपने देख लिया, क्यूराइल है। क्यूराइल के अलावा अगर हम बात करें एलुसन, ये भी प्रशांत महासागर में है, और जापान खाई जो कि इधर है ठीक है, जापान खाई, क्यूराइल आपने देख लिया है, जापान गर्त, ये सब जो कि कहाँ पे है प्रशांत महासागर में, उत्तर प्रशांत महासागर में। इसके अलावा देखिए दक्षिण प्रशांत महासागर में अगर देखा जाए, दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा खाई हो गया ठीक है, टोंगा के बाद देखिए यहीं पे देखिए कर्माडेक खाई हो गया, फिर अटाकामा हो गया ठीक है, अटाकामा खाई हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट में अटलांटिक जो महासागर है उसके प्रमुख गर्त की बात करें, अटलांटिक महासागर के जो प्रसिद्ध प्रमुख गर्त है उसको बोलते हैं पेटोरिको गर्त ठीक है।
और इसके अलावा देखिए रोमांचो ग्रंथ भी है, रोमांच खाड़ी भी बोल सकते हैं, कहीं के रोमांच कभी के रोमांस भी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए सैंडविच गर्थ है, ये सब अटलांटिक महासागर में है। और हिंद महासागर के जो प्रमुख गर्त के विषय में अगर देखा जाए, हिंद महासागर, ये आपको हिंद महासागर है, अगर इसके विषय में अगर प्रमुख गर्त को देखा जाए तो सुंडा गर्त है, डायमेंटिया का परिखा है, ठीक है। और हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त है, जावा गर्त है। तो आपने सबसे पहले देखा महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी टोंगा खाई हो गया, एक हो गया, वहीं पर उत्तरी में आपने देखा मेरियाना हो गया, ठीक है। इसके अलावा जापान गर्त हो गया, क्यूराइल आपको आपने देखा, रिक्यू गर्त को देखा, एलसीएन को देखा। अभी अभी अटलांटिक के विषय में देखा, अटलांटिक जो महासागर उसके प्रमुख गर्तों के पोर्टोरिको खाई हो गया, रोमांस खाई हो गया, सैंडविच जो कि दक्षिणी अटलांटिक में है। इसके अलावा देखिए आपने हिंद महासागर में देखा जावा गर्त जो कि सबसे गहरा है, ठीक है, और सुंडा गर्त भी है, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। डायमेंटको जो कटक है या गर्त है, ये आपको हिंद महासागर का ही पार्ट है, ठीक है। अगर इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट को, तो इसके विषय में आपने देख लिया है, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। देखिए चैलेंजर कहाँ पे है, प्रशांत पश्चिमी प्रशांत महासागर, टोंगा है, दक्षिणी प्रशांत दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, क्यूराइल आपने देख लिया है, फिलीपींस दक्षिणी सॉरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, कर्माटिक गर्त आपने देख लिया है, दक्षिणी पश्चिमी महासागर, पेरू चिली गर्त आपने देख लिया, जापान गर्त देख लिया, एलेशियन गर्त देख लिया, हिंद महासागर के विषय में आपने देख लिया टोटल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28 है, देखिए इसका मिलान करना है। देखिए चैलेंजर आपको पता है, चैलेंजर डीप प्रशांत महासागर में है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर एक कचार है, तो एक कचार देखिए किस में, ए और बी ऑप्शन में है। इसके अलावा देखिए डॉल्फिन के विषय में मिला सकते हैं, डॉल्फिन का संबंध कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक हो गया, चैलेंजर उभार और चागोस कटक, तो इसका राइट आंसर देखिए 4321 है। देखिए चैलेंजर आपको उत्तरी प्रशांत पूर्वी प्रशांत, डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक, चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर, चागोस कटक जो कि हिंद महासागर में है। इसके अलावा देखिए इसमें मिलान करेंगे प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच में, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको ट्रेंच में, हिंद महासागर जावा ट्रेंच में, वहीं पर आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन से संबंधित है। मिंडनाओ खाए किस महासागर में से थे, मिंडनाओ खाए के विषय में अगर देखा, अभी आपने देखा ही तो ये आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में मिंडनाओ खाओ, जो कि इसका जो गहराई है 10,476 मीटर है। ये फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा द्वीप आप जानते हैं 11,022 जो कि मेरियाना ट्रेंच है, इसका सबसे बड़ा द्वीप जो कि चैलेंजर द्वीप है। हिंद महासागर सबसे बड़ा सबसे गहरा गर्त जावा गर्त है 7,540 मीटर, वहीं पर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आईएएस के एग्जाम में सन 2000 में आया हुआ है, इसको मिलान करना। देखिए सारा क्वेश्चन आपने देखे, एलुसियन कहाँ पे है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में कनाडा के पास है तो उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया, और कॉमरेड या सॉरी कॉमरेड नहीं कर्मेडेक है, और कर्मेडेक जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा सुंडा तो आप देखा ही हिंद महासागर में, और सैंडविच जो कि है इसका संबंध है साउथ एटलांटिक ओशियन का संबंध। विश्व की सबसे गहरी गर्त आप जानते ही हैं चैलेंजर मेरियाना गर्त है, और सर्वाधिक गहरी आपने सेम है, सेम क्वेश्चन है, देखिए दो बार तीन बार क्वेश्चन आ चुका है। मेरियानी खाई किस महासागर तल में स्थित है, तो मेरियाना आपको पता है इसका संबंध है पश्चिमी प्रशांत महासागर, टोंगा का संबंध है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, प्यूर्टो रिको का संबंध है अटलांटिक महासागर, सुंडा का आप जानते हैं, और डायमेंटिका दोनों ही हिंद महासागर से संबंधित हैं। समुद्रों में सबसे गहरा बिंदु माना जाता है मेरियाना को माना जाता है, ठीक है, 11,022 है। और इसके अलावा देखिए टोंगा के विषय में देख सकते हैं 10,882 है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली जो कि आपको कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली, इसका ग्रीष्मकालीन तापमान जो कि 55 डिग्री सी से लेकर 56 डिग्री सी तक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है, जिसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 86 मीटर है। वेयर आर द डीपेस्ट बेसिन फाउंड, जो डीपेस्ट बेसिन फाउंड आपको देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर बी है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर।
गर्त महासागर तली के लगभग 8-7% भाग पर फैले हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित महासागरों में किस एक में डायमेंटिका स्थित है, जो कि है इसका राइट आंसर है इंडियन ओशियन, इसका राइट आंसर है सुंडा ट्रेंच, जो कि इंडियन ओशियन से संबंधित है, इसके विषय में आपने देख लिया है। और निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है, जो कि है करगुल लेन गासवर्क कटक, इसका राइट आंसर है। शेष जो कि हो गया चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, विलियम टॉम्सन कटक और मध्य अटलांटिक कटक के ये सब भाग है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे खाड़ी और द्वीप समूह। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे टोटल हम लोग कंप्लीट वे में खाड़ी और द्वीप समूह। ठीक है, तो जितने भी इसका क्वेश्चन रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे खाड़ी और द्वीप समूह को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द गल्फ एंड आइसलैंड्स। सबसे पहले मेजर जो गल्फ्स है उसको देख सकते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड का ये मैप है, इसमें देख सकते हैं ओब की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, यहाँ पे बोथानिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बैफिंग की खाड़ी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन को, अलास्का की खाड़ी हो गया। इसके अलावा देखिए थाईलैंड की खाड़ी में अगर देखा जाए तो यहाँ भी है। इसके अलावा मैक्सिको खाड़ी इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया खाड़ी हो गया, ये मन्नार की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं, ओमान की खाड़ी हो गया, खम्भात की खाड़ी ये अपने भारत में है, और इसके अलावा फारस की खाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अलावा मनामा की खाड़ी भी देख सकते, पनामा की। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है, क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा पीसीएस में आया हुआ है और हिमाचल प्रदेश में, सॉरी। तो देखिए इसमें से बताना है सबसे उत्तर दक्षिण में कौन है, उसके बाद उत्तर में। सबसे देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी है, सबसे जो कि दक्षिण में है मैक्सिको खाड़ी, उसके अलावा हडसन एंड देन बेफिन, और सबसे फाइनली अगर उत्तर की बात किया जाए तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा पहला क्वेश्चन, और देखिए इसको डिटेल्स में देख सकते हैं, मैक्सिको खाड़ी जो कि पश्चिमी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है और यह उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरिबियन सागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसको देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिको खाड़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें हडसन की खाड़ी जो कि कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और बेफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। तो इसमें देख सकते हैं हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, हडसन खाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं, हडसन की खाड़ी यहाँ पे। इसके अलावा देखिए आर्कटिक महासागर जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका अधिकतम विस्तार देखा जाए तो ये आपको इधर इस साइड मिलेगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है फारस की खाड़ी जहाँ पे स्थित नहीं है, फारस खाड़ी जो कि 3 और 4 इसको बोल सकते हैं, बसरा और जोद्दा इससे संबंध नहीं है। शेष जो कि हो गया दुबई और दोहा जो कि फारस खाड़ी के किनारे है। थर्ड नंबर है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, इसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर ओमान। ठीक है, इसके अलावा देखिए फारस की खाड़ी बहरीन, इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी के तटीय देश है। इसके अलावा देखिए कौन सा सही सुमलित है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गल्फ आप टोंकिन की खाड़ी जो कि वियतनाम से संबंधित है, मतलब फ्रांस का संबंध बिस्के की खाड़ी से, अर्जेंटीना का संबंध सेन मायूस की खाड़ी से, कनाडा और डेनमार्क का संबंध बैफिन की खाड़ी से, वियतनाम का संबंध टोंकिन की खाड़ी से, और ऑस्ट्रेलिया का संबंध कारपेंट्रिया की खाड़ी से, इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड का संबंध बोथनिया की खाड़ी से, यूएसओ और कनाडा के लेक ओंटारियो और सेंट लॉरेंस किसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, यह है हडसन की खाड़ी। देखिए द्वीप दस करेंगे झीले और जलप्रपात, द लेक एंड वाटरफॉल्स। देखिए इसमें अपने पूरे वर्ल्ड का ये मैप है वर्ल्ड का, इसके अलावा इसमें देखेंगे हम लोग झीलों के विषय में, उसके बाद जलप्रपात के विषय में देखा जाए तो सामान्यतः अगर देखा जाए सामान्य रूप से झील जो कि भूतल के एक विस्तृत गड्ढे होते हैं, जैसे जमीन है, जमीन में बहुत सारा बड़ा सा गड्ढा हो गया, ठीक है, तो उसको झील बोलते हैं जिसमें जल भरा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की झीलें जो कि अगर देखा जाए तो आंतरिक भाग में जो कि स्थित होता है जो कि जलपूर्ण गर्त होती है। संसार के अगर प्रमुख झीलों में अगर देखा जाए तो कैस्पियन सागर हो गया,
देखिए यहाँ पे आपको कैस्पियन सागर का झील मिलेगा, इसके अलावा चाड़ झील मिलेगा, यहाँ पे वान झील भी है, बैकाल झील देख सकते हैं, उलर झील हो गया, सांभर झील भारत का है, जो प्रपात है भारत में भी देखेंगे प्रपात, तो चिल्का लेक देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डल झील भारत का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सुपेरियर झील बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अलावा देखिए नियाग्रा जलप्रपात है, प्रपात देखेंगे हम लोग, ग्रेट साल्ट लेक हो गया, मिड झील हो गया आपको, देखिए इधर फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झील वहाँ पे हैं, ठीक है। और संसार की जो प्रमुख झील में जैसे कैस्पियन सागर है और चार झील, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बृहत्तम झील है। यहाँ पे देखिए सुपेरियर ये प्रमुख झील तो आपने देख लिया, कैस्पियन सागर और चार झील, लेकिन संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो सुपेरियर और ह्यूरॉन झील जो है, सुपेरियर और ह्यूरॉन झील जो कि है ये यूएसए और कनाडा का संयुक्त रूप से है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें विक्टोरिया झील हो गया, अरल सागर हो गया, न्यासा झील, बैकाल झील, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रेट बियर हो गया, टिटिकाका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिटिकाका झील हो गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेंडियर झील हो गया, ग्रेट स्लेव हो गया, ग्रेट बियर झील हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए विक्टोरिया प्रपात तो इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अलावा देखिए टिटिकाका आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्जेंटीना झील हो गया और एंजिल जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा झील अगर देखा जाए तो यूरेशिया की एक कैस्पियन सागर की झील है, सबसे बड़ा है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से इसका देखा जाए तो 371,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एक खारे पानी की झील है, ठीक है, कैस्पियन सागर की झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके उत्तर में यूराल और ओल्गा नदियाँ इसके उत्तर में गिरती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें महान झील, ग्रेट झील के विषय में, तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में ताजे पानी की झील है, महान झील, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए नेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें और भी झीलों के विषय में, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपीरियर लेक का, क्या यह आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त रूप से है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के मध्य महान झील में से एक, ये दोनों ही लगभग महान झील हैं। विश्व की सबसे गहरी अगर झील का विषय में देखा जाए तो रसिया के साइबेरिया में है बैकाल झील, ये आपको सबसे गहरी झीलों में से एक है। अगर हम बात करें इसकी गहराई कितना है तो 1620 मीटर है, और सुपेरियर का आपने टोटल क्षेत्रफल देख लिया, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा हो गया, गहराई के हिसाब से बैकाल झील हो गया, ठीक है। और टंगानिका झील भी है, ये विश्व की दूसरी बड़ी झील है जो कि 1470 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्व की सबसे लंबी अगर 660 किलोमीटर ताजे पानी की झील भी है। टिटिकाका झील आपने देख ही लिया है, टिटिकाका झील, ठीक है, यहाँ पे टिटिकाका झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटिकाका के विषय में बहुत सारा क्वेश्चन आया है, ये दूसरी सबसे गहरी झील है, ठीक है, सॉरी ये आपको पेरू और बोलिविया की है, जो दूसरी सबसे गहरी झील है वो आपको टंगानिका झील देखने को मिलेगा, ठीक है। विक्टोरिया झील आपको पता ही हो गया, ये आपको तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है विक्टोरिया झील, ठीक है। यहाँ पे देखिए विक्टोरिया प्रपात है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट झीलों के विषय में, अरल सागर जो कि खारे पानी की झील है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के है पास में है अरल सागर के मध्य, अरल झील जो कि बोल सकते हैं या अरल सागर बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें वान झील बहुत इंपॉर्टेंट है, वान झील से बहुत सारा क्वेश्चन आया है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा लवणीय माना गया है, 330% यहाँ पे लवणता है, ये टर्की में आपको देखने को मिलेगा वान झील, ठीक है, आपको टर्की में देखने को मिलेगा वान झील, सारा बनाया नहीं गया है, ये टर्की के आसपास है, ठीक है, यहाँ पे है ना। फिनलैंड आपको पता है, फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है, फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झील है, लगभग 168,000 झील है आपको फिनलैंड में देखने को मिलेगा, और इसे झीलों की वाटिका भी बोलते हैं, गार्डन ऑफ लेक भी बोलते हैं, किसको, फिनलैंड को, फिनलैंड आपको ये रशिया के पास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें साफ पानी और सबसे बड़ी झील, तो आपको पता है आयतन के दृष्टि से बैकाल हो गया,
और सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर हो गया। खारे पानी की झील जो कि कैस्पियन सागर हो गया, सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन है, सर्वाधिक खारी हो गया, असल हो गया, तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सागर के विषय में देख लिया, सुपीरियर के विषय में देख लिया, विक्टोरिया झील युगांडा तंजानिया केन्या में है, अरल सागर हो गया, यूरोन हो गया, मिशिगन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, टंगानिका आपने देखा ही आपको तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो में है, बैकाल झील रशिया में, ग्रेट बियर कनाडा में, मलावी झील आपको मलावी, मोजाम्बिक तंजानिया में, इरी झील यूएसए कनाडा में, विनिपेग झील कनाडा में, ओंटारियो झील आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए टिटिकाका बहुत इंपॉर्टेंट है पेरू बोलोविया में, और अथबास्का झील कनाडा में, ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि आपको अमेरिका में। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन है कि बैकाल झील इसमें मैचिंग करना जो सही नहीं है, तो बैकाल झील ये आपको देखिए यहाँ पे यूक्रेन दिया है, तो यूक्रेन यहाँ पे ना होकर क्या रहेगा, बैकाल झील आपको सबसे गहरी झील है, आपको बताया कि 1600 समथिंग 20 मीटर है बैकाल झील की टोटल गहराई, और ये रसिया में है, ये यहाँ पे रूस रहेगा। और इसके अलावा और सब देखिए बालकस आपको कजाकिस्तान में, टिटिकाका बोलिविया पेरू में, आपको पता है इरी झील कनाडा और यूएसए में है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, ये आपको मिलेगा टंगानिका झील, अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, ये आपको मीठे पानी की झील है, यह विश्व की दूसरी और अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। इसके अलावा अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी एक झील दो देशों के बीच सीमा बनाती है, इसके विषय में आप बिल्कुल ही जानते हैं, लेक रुकवा, ये आपको तंजानिया में स्थित है, लेक रुकवा जो कि तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा स्वेज नहर के विषय में देखा जाए, उत्तर से दक्षिण की दिशा में पड़ने वाले झीलों का क्रम, देखिए स्वेज नहर में देखिए जो कि सबसे उत्तर में है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर एंड लिटिल बिटर लेक है, सही सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। ये देखिए मलावी, मलावी एशिया इसका सही सुमिलित नहीं है। बैकाल आपको पता है रशियन फेडरेशन से है, कैस्पियन सी एशिया यूरोप से, और तंगानिका जो कि अफ्रीका से संबंधित है। तो मलावी झील एशिया में न होकर अफ्रीका में इसे अवस्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी देशों में स्थित है। बैकाल झील रशियन फेडरेशन में कैस्पियन सागर से तुर्किस्तान के पहाड़ों तक विस्तृत है। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप दोनों के मध्य विद्यमान है। देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक, ये आपको यूएसए में स्थित ग्रेट सॉल्ट लेक, महान लवड़ीय झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह प्रांत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक खारे पानी की झील है। झील में गिरने वाली नदियों में जार्डर, वियर, बियर नदियाँ हैं, क्योंकि एक झील में अधिक लवणता के कारण वनस्पति और जीव की कमी है। यहाँ से लगभग 80,000 टन नमक प्रति वर्ष प्राप्त किया जाता है। अमेरिका में स्थित यह अन्य झीलों में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो प्रमुख हैं। इसके अलावा देखिए सातवां है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, या किस कारण से होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, इसका राइट आंसर है। आपको पता है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है, किंतु उसके जल जो कि अंदर जो होता है द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री सी पर अधिकतम होती है, और जल का सतह का जल जो कि 0 डिग्री सी पर जम जाता है, परंतु इनके नीचे का जो विद्यमान जल का तापमान होता है 4 डिग्री होने के कारण वो क्या होता है, पानी की तरह ही होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में कि सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल देखिए आप देख सकते हैं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया आपको पता ही है, बैकाल जो कि रसिया में सबसे गहरी झील है, ग्रेट बियर जो कि कनाडा में है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें से सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो सही सम्मिलित नहीं है। फाइव फ्लावर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये मंगोलिया यहाँ पे दिया है, मंगोलिया यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं रहेगा, ये आपको फाइव फ्लावर लेक जो कि चीन के सिचुआन या सिचुआन प्रांत में है, फाइव फ्लावर लेक। बॉयलिंग झील डोमिनिका में है, रेड लेगून बोलिविया में, एंड ग्रेट स्लेव लेक आपको कनाडा में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया ग्रेट स्लेव लेक के विषय में। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, दैट इज द विक्टोरिया, तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील, और इन सभी झीलों का संबंध दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया झील युगांडा केन्या तंजानिया देशों की सीमा बनाती है। चार्ड झील चार देश नाइजीरिया चार्ड नाइजर कैमरून की सीमा बनाती है। मलावा झील जो कि मोजाम्बिक और मलावी और तंजानिया की सीमा बनाती है, वहीं पर जाम्बेजी नदी
जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाती हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, जो कि बैकाला लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, जो कि रशिया के साइबेरिया में क्षेत्र में स्थित बैकाल झील, इसकी गहराई देख सकते हैं 1637 मीटर, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? इसको बोलते हैं बैकाल लेक। विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है जो कि रशिया के साइबेरिया में स्थित है। इसका बाद विश्व की सर्वाधिक गहरी झील आपको देखने को मिलेगा, बैकाल लेक विश्व की सबसे गहरी झील है। आपको पता है इसकी टोटल जो कि 1660 कहीं पे दिया है, कहीं पे 1620 दिया है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो 1620 आप ऑप्शन मारेंगे। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी झील आपको पता है कैस्पियन सागर है, आयतन के हिसाब से यह खारे पानी की झील है और इसके उत्तरी भाग में इराल व बोलगा जैसी नदियाँ गिरती हैं। देखिए 1000 झीलों का देश, 1000 के लाखों झील है, जो कि आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड में, इसे झीलों का देश भी बोलते हैं और इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, नार्डिक देश भी बोलते हैं फिनलैंड को, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम झीलों का वाटिका भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिमानी झील इटास्का, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? दैट इज द मिसिसिपी, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में अवस्थित है? दैट इज द लेक मिशिगन, जो कि आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सही सुमिलित कौन सा है, ईरी का संबंध डिट्रायट से, मिशिगन का गैरी से, ओंटारियो का संबंध हैमिल्टन से एंड डुलुथ का संबंध सुपीरियर लेक से संबंधित है, नगर है, मतलब सुपीरियर लेक के पास में जो कि डुलुथ है, ओंटारियो के संबंध में हैमिल्टन, मिशिगन के झील के पास में गैरी एंड ईरी झील के पास में डिट्रायट है। इसके अलावा देखिए विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील और लंबी भी, तो इसमें है टंगानिका झील जो कि 1470 मीटर गहराई है। बैकाल का आपको पता है 1620 है, सुपीरियर 405 मीटर एंड गेट बियर का संबंध, गेट बियर जो कि 446 मीटर, ग्रेट साल्ट लेक आपको देखने को मिलेगा यूएसए में। और ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस पहले जमेगी और उसके नीचे का सतह जो कि बिल्कुल पानी की तरह ही होता है, क्योंकि जल का घनत्व उसके तापमान के साथ बदलता है और 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन बहुत बार आया है, यूपी लोअर पीसेस में आया हुआ है। इसके अलावा देखिए यूपी यूडीए में है कि तंजानिया जो कि रुकवा झील क्षेत्र में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंजानिया जो कि कोल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा देखिए द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज दैट इज द लेक शुरोन, ताजे पानी मतलब विश्व की जो ताजे पानी की झील है, विशालतम झील, उसको बोलते हैं लेक ह्यूरॉन, ठीक है। ये आपको अमेरिका की दूसरी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है ह्यूरॉन, ठीक है। अभी अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल 59,570, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे ताजे पानी की झील आपको विशालतम आपको सुपीरियर लेक है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। चिल्का लेक लेगुन जो कि उड़ीसा के पूर्वी तट में है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपको लेक सुपीरियर अभी आपको देखा ही है आपने। इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क लगा दीजिए, प्रसिद्ध अंगुलीनुमा फिंगर झील, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह कुल मिलाकर 11 झीलों का समूह है जो कि तीर की भांति उत्तर दक्षिण क्षेत्र में विस्तारित है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ग्रेट लेक ऑफ द यूएसए दैट इज द ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है। सबसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत्तम झीलों में पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले पूर्व में ईरी है, फिर ह्यूरॉन है, मिशिगन एंड देन सुपीरियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपीरियर झील विश्व के मीठे पानी की झीलों में से एक है, सबसे बड़ी भी है। बैकाल झील आपको पता है सबसे गहरी है, 1620 मीटर है, यह रशिया का साइबेरिया क्षेत्र में है। ग्रेट बियर आपको पता है कि आपको कनाडा में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में, विक्टोरिया आपको तंजानिया में देखने को मिलता है। बैकाल यहाँ पर कजाकिस्तान नहीं होकर क्या रहेगा, रसिया रहेगा। इसमें सही सुमृत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सही सुमृत नहीं ऑप्शन नंबर सी, डिट्रायट का संबंध ह्यूरॉन से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिए डुलुथ आपको सुपीरियर संबंधित है, शिकागो आपको मिशिगन से, टोरंटो ओंटारियो से, और डुलुथ जो कि ये सुपीरियर पर डुलुथ, मिशिगन पर शिकागो और ईरी झील पर डिट्रायट और ओंटारियो, यहाँ पे ईरी रहेगा और ओंटारियो का टोरंटो पर नगर स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। अरल सागर किन दो देशों की सीमा बनाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरल सागर आपको उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा बनाता है।
और विश्व की सबसे अगर गहरी झील बोला जाए तो बैकाल झील रहेगा। अभी देखिए निम्नलिखित शिकागो के विषय में देखा जाना है तो शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है, अगर देखा जाए इसमें तो ये आपको राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है, मिशिगन इसका राइट आंसर। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जल मार्ग विश्व का सबसे अधिक व्यस्त अंतरस्तरीय जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी USA और कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व के निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है, दैट इज द बैकाल का क्षेत्रफल ऑप्शन के हिसाब से है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका प्रश्न के अनुसार इतना है, लेकिन आयतन के हिसाब से आपको पता ही है। इसके अलावा अगर हम देखिए चार्ड का क्षेत्रफल देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झीलों को जोड़ा श्रीनगर द्वारा जुड़ता है, जो कि है सुपीरियर और ह्यूरॉन। कनाडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे पानी का 5 झीलें अवस्थित हैं, पश्चिम से पूर्व में इसका क्रम देख सकते हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो हैं। इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से महान झील बोला गया, ग्रेट लेक बोला गया है। सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को सुनहर भी बोलते हैं, सुनहर जोड़ती है, जो कि ईरी और ह्यूरॉन झीलों को ईरी नहर और ईरी और ओंटारियो को बेलेंड नहर जोड़ती है। इसमें से बताना है सही मैचिंग करना, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो इसमें देखिए विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट कैनियन का संबंध है USA से, ग्रेंट विनपिंग के संबंध है कनाडा से, और दक्षिणी आल्प्स का संबंध है न्यूजीलैंड का। अब देखिए वाटर फॉल्स के विषय में देखेंगे, जो कि प्रमुख जो जलप्रपात है इसके विषय में, क्योंकि जलप्रपात से भी क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है, ठीक है, और जलप्रपात को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। देखिए विश्व की जो प्रमुख जलप्रपात है अगर उसके विषय में हम लोग देखें तो जलप्रपात किसको कहते हैं, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से जब गिरेगा पानी तो खड़े ढाल मतलब बिल्कुल क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है, उसे को ही जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह जलप्रपात आपको वेनेजुएला के कैनेमा नेशनल पार्क में रियो कैरोनी नदी पर स्थित है। इसके अलावा देखा जाए एक होता है टुगेला जलप्रपात, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसका 948 मीटर है हाइट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है, टुगेला नदी पर है। वहीं विक्टोरिया जलप्रपात आपको आपने देखा ही, ये आपको दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। इसको 1989 में विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है रिब्बन जलप्रपात आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, ये आपको योसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पे है, रिब्बन से ही पता चल रहा है रिब्बन नदी पे होगा, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ही नियाग्रा जलप्रपात आपको USA और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर अवस्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, अब लोग क्वेश्चन को देख के कंप्लीट करते हैं। नियाग्रा आपको नियाग्रा में है, नियाग्रा नदी पर अमेरिका में है। विक्टोरिया आपको जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर कांगो। एंजिल आपको कोरोनी नदी पर वेनेजुएला में। अलेक्जेंड्रिया प्रपात हे नदी पर कनाडा में। इडाहो जलप्रपात स्नेक नदी पर अमेरिका में। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट देखिए तो देखिए इसी में पहला 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है। तो नियाग्रा इसमें से लेक ओंटारियो और लेक ईरी इसका राइट आंसर है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। नियाग्रा यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाले नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएट विद द रिवर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, दैट इज द जाम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से जलप्रपातों में से कौन से वेनेजुएला में अवस्थित हैं, तो आपको देखने को मिलेगा विक्टोरिया नहीं होगा, ये एंजल फॉल्स होगा इसका, ठीक है, सही सुमृत नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल यहाँ पर टुगेला दिया है, जो कि रहेगा एंजी जलप्रपात। वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की ताजे जल झील हो गया सुपीरियर, सबसे ऊंची नगों में झील टिटिकाका, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका हो गया, ठीक है, और
संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको सांटो एंजल देखने को मिलेगा। तो ये आपने चैप्टर कंप्लीट हुआ झील के विषय में, जलप्रपात के विषय में। आप लोग चैप्टर नंबर 14 को देखेंगे, बने रहिए। हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सूर्यताप, वायुताप, एयर प्रेशर और आर्द्रता और वर्षण के विषय में। सबसे पहले सूर्यताप के विषय में देखते हैं, इंसुलेशन के विषय में। वायुमंडल और पृथ्वी की सतह की जो ऊष्मा का अगर स्रोत देखा जाए किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। और पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग जो कि लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती हैं, और पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाले जो लघु तरंग दैर्ध्य है उसको सूर्यताप कहते हैं या सौर विकिरण भी बोलते हैं। सूर्य की जो फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसको क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग है जिसमें से अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान और नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के रूपांतरण होता है जिसके कारण ऊष्मा का जन्म होता है। सूर्यताप का वितरण अगर देखा जाए तो समान रूप से धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर अगर देखा जाए तो प्राप्त सूर्य की जो मात्रा में टेम्पोरल चेंज होते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य की किरणें जैसे पड़ती है तो झुकाव की वजह से देखिए अब किधर है, उत्तरायण है या दक्षिणायन, ये भी डिपेंड करता है। तो अगर उत्तरायण रहेगा तो दक्षिण में सूर्य के ताप जाहिर सी बात है कम रहेगा, और दक्षिणायन रहेगा तो उत्तर की साइड कम रहेगा। और ये भी डिपेंड करता है कि एंगल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए यहाँ झुकाव है पृथ्वी का, ठीक है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि पृथ्वी घूमती भी रहती है। तो सारा चीज़ को एक कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका वितरण देखें, समान रूप से अगर देखें तो धरातल पर जो प्राप्त सूर्यताप की मात्रा है सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर होती है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इसके बाद ध्रुव पर कम होती जाती है, ठीक है। अगर एक बात और, अगर सूर्य उत्तरायण है तो दक्षिण में ध्रुवों की ओर तो कम होगा ही, साथ ही साथ ये आपको मकर रेखा पर भी कम होगा। उसी तरह अगर दक्षिणायन है तो ध्रुव पर उत्तर की तरफ तो कम होगा ही, साथ ही साथ कर्क रेखा की तरफ, कर्क रेखा भी कम होगा जिसकी वजह से भारत मौसम में ठंडी महसूस होती है। तो इस तरह का ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल एक कंसेप्ट है। तो सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाला कारण है देखिए सूर्य की किरणें का सापेक्ष तिरछापन होना। इसके अलावा सौर कलंक वायुमंडल का प्रभाव भी होता है, ठीक है, ये सब प्रभावित करती है सूर्य। तो किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाला जो विकिरण है उसके जितने भाग का परिवर्तन हो सा उसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं, ALBEDO एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो अगर देखा जाए 30-35% है, जबकि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित भूमि का है। मरुस्थल का एल्बिडो 20-30% है। धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो अगर देखा जाए तो 3-15% है। प्रेरी का एल्बिडो जो कि लेकर 10-20% है। धूल कणों तथा जल कणों के द्वारा, जबकि इन कणों का व्यास प्रवेशी सौरिक विकिरण की तरंग दर से लंबी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत के विषय में ये अक्षांश रेखा है जो कि विषुवत रेखा बोलते हैं। इसमें 12 घंटा जो कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है 22 दिसंबर को, 21 जून को देख सकते हैं 12 घंटा 0 मिनट। 20 डिग्री पर कितना समय देते हैं सूर्य का प्रकाश, 40 डिग्री पर कितना होता है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। इसी तरह देखिए वायुमंडल का तापन जो कि चालन संवहन अभिवहन ये सब जो कि है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये सब भिन्नताएँ हैं, सूर्यताप का भिन्नताएँ हैं, ठीक है। एल्बिडो के विषय में आपने देख लिया है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। सूर्यताप के अवशोषण में सबसे सर्वाधिक या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अप्रत्यक्ष रूप से सूर्यताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। यह गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। सूर्य का प्रभाव मंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर है
स्नो क्रिस्टल ऑफ कायरो स्टेटस क्लाउड। तो सूर्य के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण प्रभात या प्रच्छाप स्तरीय मेघ के द्वारा होता है। हेलो, हाँ बता, ठीक बा, हाँ देख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्लियर नाइट आर कूलर देन क्लाउड नाइट। इसका राइट आंसर है ड्यू टू रेडिएशन। और निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? आपको पता है जो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि है, इसके बाद रेत का भी भूमि परिवर्तन करता है, हिम वाला जो होता है ज़्यादा परिवर्तित करता है, फिर रेतीला 20-30%, घास का मैदान भी 14-37%, कोटधारी वन भी परिवर्तित करता है। तो इस तरह देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एल्बिडो, आप जानते हैं एल्बिडो का अर्थ होता है किसी पृष्ठ के द्वारा परावर्तित लघु तरंग सौर विकिरण का अनुपात को एल्बिडो बोलते हैं। विकिरण ऊर्जा का यह परसेंटेज जो पृष्ठ से परावर्तित होता है उसको बोलते हैं एल्बिडो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी का पृष्ठ दोपहर के 12 बजे अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, किंतु उच्चतम तापमान कभी भी 12 बजे पर नहीं होता है, क्यों? इसका राइट आंसर है, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि वन एंड थिंड, क्योंकि सौर ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित होने में कुछ समय लगता है। साथ ही साथ सौर विकिरण के द्वारा पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त अपराह्न 4 बजे तक निर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी के पृष्ठ से लुप्त होने वाली ऊर्जा से अधिक बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से वायुमंडल में रुधोष्म ताप परिवर्तन होता है? वायु का प्रसार और संपीडन, इसका राइट आंसर है। वायु दाब के विषय में देख सकते हैं एयर प्रेशर। देखिए धरातल पर सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों पर या परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं। इसको मिली बार पास्कल इसका इकाई है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1013.2 मिली बार होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। समान रूप से 1800 फीट में वायुमंडल का दाब आधा दाब स्थित होता है। कुल मिलाकर 7 पेटियां हैं ग्रुप पर। वायुमंडल की उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुमंडल की पेटियों को 2 बृहद समूहों में विभाजित किया गया है। पहला देखिए तापजन्य वायुदाब पेटी, जो कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। गतिजन्य है, जो कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है गया। इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट में है कि देखिए उपध्रुवी हो गया, भूमध्य हो गया, उपोष्ण हो गया, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ध्रुवी उच्च वायुदाब हो गया। तो इस तरह दे सकते हैं। तो एयर प्रेशर जो सबसे कम होता है वो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है, क्योंकि तापमान बहुत ही हाई होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ जो कि लोकेटेड होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको, विषुवत रेखा इक्वेटोरियल क्षेत्र में इसका स्थित होता है। उसके सीमापवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाली निम्न वायुदाब की पेटी है, जहाँ उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। डोल्ड्रम जो कि है, डोल्ड्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, and 4, मतलब एक इक्वेटोरियल कॉम है एंड कॉम एंड नाइट लाइट वाइंड्स होता है और वेरिएबल बोथ इन पोजीशन एंड इन एक्सटेंट, इसका राइट आंसर 1, 2, and 4। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें बिल्कुल शांत होती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। उच्च ताप के फलस्वरूप वायुताप गर्म होकर वायु गर्म होकर विषुवत रेखीय क्षेत्र पर ऊपर की ओर उड़ती है और विषुवतीय निम्न दाब पेटी का निर्माण करती है, जो भूमध्य रेखा से लगभग 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक विस्तृत होता है। डोल्ड्रम निम्न वायुमंडलीय दाब वाली विषुवतीय पेटी होती है, जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। मौसम के साथ इनकी स्थिति और विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। तूफानी 40 पछुआ पवनें होती हैं, जो कि 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। इसके अलावा देखिए कमजोर हवाओं वाले प्रदेश को क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बोलते हैं। ये आपको एक समान निम्नदाब होता है, खासतौर से विषुवत रेखा के समीप होता है। हाँ, उष्णकटिबंधीय नो वाइंड बेल्ट होता है डोल्ड्रम, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पृष्ठवात का आदर्श भूमंडलीय प्रतिरूप है? दैट इज द डोल्ड्रम, टेडवाइंड एंड वेस्टर्लीज स्टर्लीज, इसका राइट आंसर है।
तो देख सकते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पृष्ठवात का आदर्श भूमंडलीय प्रतिरूप डोलड्रम व्यापारिक पवन पछुआ पवन पूर्वी पवन है, जो पवन वायु वर्ष भर चल करती हैं उन्हें प्रचलित पवन या स्थानीय पवन कहते हैं। जिन पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी या मानसूनी पवन कहते हैं। निम्नलिखित धरातली पवनों पर विचार करना है, दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 राइट आंसर है। डोलड्रम हो गया एंड देन व्यापारिक पवन है, एंड देन ध्रुवी पवन है, एंड देन पश्चिमी पवन हो गया, सॉरी पश्चिमी पवन एंड ध्रुवी पवन हो गया। इसमें विचार करना है इसमें से कौन सा सही है। देख सकते हैं सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मतलब ऑप्शन नंबर ए का मतलब हो गया केवल केवल एक सही है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए भूपृष्ठ पर निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में शांत अक्षांश या हार्स अक्षांश कहते हैं, इसको पता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हार्स अक्षांश विशुद्ध प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को कहते हैं, टेट वाइड बोलते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब या हार्स अक्षांश 30 से लेकर 60 डिग्री कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारी पवन कहते हैं। हेडली सेल तापीय परिचलन में वायु ऊपर उठती है और अंततः कहाँ पर नीचे आती है, इसका राइट आंसर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, वाइंड एंड कोरेलिसिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है, इस क्षैतिज गति वायु पवन को कहते हैं, और पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो देखिए उच्च वायु दाब यहाँ पे यहाँ से देखिए इधर से इस तरह चलेंगी, ठीक है, इस तरह इसी तरह इस तरह यहाँ पे देखिए बिल्कुल निम्न वायुदाब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा भीषण गर्मी की वजह से खासतौर से विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवने तीन संयुक्त प्रवाहों का परिणाम है, दाब प्रवणता प्रवाह, घर्षण बल और कोरियोलिसिस बल। दाब प्रवणता प्रवाह का मतलब किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता प्रवाह कहते हैं। घर्षण बल मतलब पवने की गति को प्रवाहित करता है, साथ ही साथ कोरियोलिसिस बल होता है जो कि पवने की दिशा को प्रवाहित करता है। इसमें देख सकते हैं प्रचलित पवने व्यापारिक पवनों के विषय में अगर देखा जाए तो जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चलती हैं उसे प्रचलित या अस्थायी या ग्रही पवने कहते हैं। इसका जो स्थिति होता है 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। दिशा जो कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। इसी तरह पछुआ पवन देख सकते हैं 30 से 35 डिग्री अवस्थिति होती है, और इनका जो दिशा होती है देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध से उत्तर पश्चिम, इस तरह देख सकते हैं ध्रुवी पवनों के विषय में आप देख सकते हैं। तो अस्थाई पवनों के विषय में अगर देखा जाए तो देखिए भारत में जो अस्थाई पवन है उसको लू बोलते हैं, यहाँ पे सिमू बोलते हैं, खमसिन आपको यहाँ पे अफ्रीका के आसपास का रेंज हो गया, ये बुरान हो गया, इस तब आपको स्थानीय पवने के विषय में बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे स्थानीय पवने के विषय में, हम लोग देख लिए हैं, अब क्वेश्चंस को देखेंगे और हवाओं के विषय में देखेंगे। देखिए स्थानीय पवनों के विषय में देखते हैं, स्थानीय पवन तापमान वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। जैसे देख सकते हैं चिनूक, चिनूक का अर्थ होता है हिमपच्छी, आपको देखिए मिस्टर ये आपको राखी पर्वत के पूर्वी ढाल यूएसए कनाडा से संबंधित है, फान आप देख सकते हैं आल्प्स पर्वत की घाटी से संबंधित है, खमसिन मिस्र के उत्तरी भाग से संबंधित है, आप देख सकते हैं खमसिन, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे खमसिन हो गया, हरमट्टन हो गया सहारा मरुस्थल से संबंधित है, सिराको हो गया उत्तरी अफ्रीका से, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर विंड गिनी तट से संबंधित है। सिराको आपको सहारा मरुस्थल भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क रेत की भारी भारी अवस्था जो स्थानीय पवने हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं ठंडी मिस्टल हो गया, फ्रांस रोना, बुरान का संबंध देख सकते हैं, ब्लिजार्ड का संबंध, लेवेंडर स्पेन, ये सब देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली वायुमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड वाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय पवन है, ये आपको ट्रेड व्यापारिक को बोलते हैं। उष्ण
कटिबंधीय क्षेत्रों के बीच बहने वाली ग्रही पवनों को बोलते हैं ट्रेड वाइंड बोलते हैं। 27 नंबर है कथनों पर विचार करना, विश्व में उस कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमाओं या सीमांतों में व्यापारिक पवने पट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है या इनकरेक्ट है। तो व्यापारिक पवने दो ही गोलार्धों में 30 से लेकर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य संचारित होती हैं और महासागरों से आर्द्रता ग्रहण कर ये पवने महाद्वीप के पूर्वी भाग पर अनुतटीय होती हैं जहाँ पर अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। तो देखा जाए क्वेश्चन 28 है कि यह कारण है कि विश्व के प्रमुख ऊष्मा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय अक्षांश के पश्चिमी भाग में पड़ते हैं, ये व्यापारिक पवन से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि कथन विचार करना कौन सा सही है। इसमें से जो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के अगर देखा जाए विश्व में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक ऊष्मा अधिक उष्ण होती है। इसके अलावा देखिए इंटेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन। इसके अलावा देखिए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होता है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक करेक्ट है। द टेरेन इज लोअर इन साउथर्न हेमिस्फेयर देन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। इसके अलावा देखिए व्हाट इज द रोरिंग फोर्टीज फ्यूरियस फिफ्टीज एंड स्क्रीमिंग सिक्सटीज, इसका राइट आंसर है वेस्टर्न वेस्टर्ली वाइंड इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, इसका राइट आंसर है। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 2, 3 और 4 इसका करेक्ट है, जो कि इसका राइट आंसर है उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इनकी गति तीव्र और निर्बाध रहती हैं, जिन्हें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तूफानी चालीसा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण गर्मियों में कम सक्रिय और जाड़ों में अधिक सक्रिय होते हैं। इन पवनों के साथ चक्रवात तथा प्रति चक्रवात भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। देखिए तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टीज के बारे में आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन होते हैं। ठीक है, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर है केवल 2 करेक्ट है। इसमें से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा वाले आर्द्रवायु माइस्ट एयर मोसेज पछुआ पवनों के भाग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पछुआ पवने क्या है। ये आपको है कि परमानेंट वाइंड्स है। इसके अलावा देखिए वेस्ट वाइंड्स आर द वाइंड्स दैट ब्लो बिटवीन 30 to 60 नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड। जो पछुआ पवने वह है तो जो 30 और 60 के बीच में दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। चिनूक पवने के बारे में कौन सा सही है, जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। और चिनूक में जो सही है प्रशांत महासागर में उठते हैं, राकी पर्वतों को पार कर पर्वतों के पूर्व की ओर अवरोहण करते हैं, ये पवन गेहूं की खेती के लिए लाभदायक होता है। चिनूक क्या है, चिनूक आपको पता है एक शक्तिशाली वाइंस होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। उत्तरी अमेरिका में कोस्ट पवन से संबंधित है। चिनूक पवनों के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, दे ब्रिंग लार्ड्स ऑफ रेन विथ देम। विषुवत वृत्त के आसपास का दाब वाला क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है, इसमें देख सकते हैं। यूरोप के आल्प्स पर्वत क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं, फान बोलते हैं। पवनों में कौन अन्य तीन से भिन्न है, इसमें से मिस्ट्रल है जो कि भिन्न है, ये आपको इटली तथा स्पेन में चलने वाली गर्म हवाओं को सिराको और मिस्र में खमसीन और स्विट्जरलैंड में फान कहते हैं। मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवी हवा है। ठीक है, कोल्ड लोकल वाइंड के विषय में देखा जाए तो मिस्ट्रल इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड एंड ड्राई वाइंड्स, इसमें से राइट आंसर है मिस्ट्रल। निम्नलिखित पवनों में से कौन सा एक लाक्षणिक रूप से तप्त और शुष्क नहीं है, वह है मिस्ट्रल, इसका राइट आंसर है। वर्षण की संघट संलयन प्रक्रिया किन पर लागू होती है, इसका राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए है उन बादलों को जो हिमीकरण स्तर के परे विस्तारित नहीं होते हैं। ये 3 बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हरमट्टन वायु की
पश्चिमी अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है, जो निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, वह है इट इज ड्राई एंड कूल वाइंड, ये विशेषता नहीं है। दैनिक पवन तंत्र जो कि है लैंड एंड सी ब्रिजेज, देखिए उष्ण तथा सूखा पवन सामल जो कि एक स्थानीय हवा है, ये पाई जाती है मेसोपोटामिया में पाई जाती है सामल, ठीक है। इसके अलावा देखिए ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर यूएसए और नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में प्रभावित होती हैं। एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनक्वांग के तारिंग बेसिन में प्रारंभिक जो कि बसंत ऋतु में तीव्र ऊष्मा धाराएँ अनुभव की जाती है, जिनमें असुविधा होती है, इस पवन का लोक प्रचलित नाम है करा बुरान। ये आपको चाइना में देखने को मिलेगा, चीनुक संयुक्त राज्य अमेरिका, फान फ्रांस में। इसके अलावा अगर हम बात करें काटाबेटिक ये घाटी समिर में, इसमें से बताना कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है मैरी टाइम इक्वेटोरियल जो कि विषुवत जोन में है, ठीक है, विषुवत जोन में कोस्ट महासागर में। इसके अलावा देखिए समुद्री धुरी जो कि शीत कटिबंधीय जोन विस्तृत महासागर संबंधित है। महाद्वीपीय उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में महाद्वीप पर। महाद्वीपीय ध्रुव का संबंध है कि ध्रुवीय जोर में महाद्वीपों के आंतरिक भाग पर। वायु संहति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, इसमें से है एयर मास डेवलप इन साइक्लोनिक कंडीशन, जेट स्ट्रीम आर यूजली फाउंड इन अ ट्रोपोपॉज, जेट स्ट्रीम आर नैरो मेंडरिंग बैंड्स ऑफ स्विफ्ट वाइंड विच ब्लो इन द मिडल एल्टीट्यूड नियर द ट्रोपोपॉज एंड इन सर्किल द ग्लोब। इसके अलावा अगर हम बात करें जेट प्रवाह जो एक ऊपरी स्तर की क्षुमंडली तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह है इन समर द पोलर फ्राम जेट अचीव इट्स मैक्सिमम फोर्स, द स्पीड ऑफ वाइंड्स इज जो कि मेजर की जाती है आपको एनिमोमीटर पवन वेग मागी। इसके देखिए हवा की दिशा मापने वाली यंत्र को बोलते हैं वात दिग्दर्शी, वायु दाब मापी आप जानते हैं, आडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, कार्डियोग्राम हृदय की गति, अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई मापता है। देखिए कौन सा एक पवन के बढ़ते हुए वेग का सही अनुक्रम है, लाइट ब्रिज एंड फ्रेश ब्रिज एंड गेल एंड हरिकेन, इसका राइट आंसर है, किंतु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा दिशा या मौसम दशा इंगित करता है, दैट इज द स्टॉर्मी वेदर, बैरोमीटर में अचानक गिरावट आंधी और तूफानी मौसम की सूचना देता है। इसके अलावा देखिए स्थानीय पवन, स्पेन में स्थानीय पवन का नाम लेवेस है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर, ब्लैक रोलर जो कि अमेरिका का स्थानीय पवन है। इसके अलावा देखिए इसमें भी मैचिंग करना वही है, स्थानीय पवन हो गया, रीजन हो गया, तो इसमें देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, मतलब 1, 2, 3, 4 जोंडा जो कि अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है, संताना यूएसए का, यामो जापान का, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का है। इसी तरह सेम है जो कि संताना आपको पता है, संताना यहाँ पे होना चाहिए कैलिफोर्निया, हबूब का संबंध सूडान से, जापान का यामो, मिस्ट्रल का ये आपको फ्रांस रहेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं फ्रांस। सेम क्वेश्चन लेविंटर दक्षिणी स्पेन का स्थानीय पवन है, संता आना आपके यूएसए, जोंडा अर्जेंटीना, ट्राममोनटेन का संबंध मध्य यूरोप से है, फान का संबंध है अल्पस से, सिमुम का कुर्दिस्तान से, संता आना कैलिफोर्निया से, जोंडा का संबंध अर्जेंटीना से। कौन सा सही सुमृत नहीं है, वही ऑप्शन नंबर सी ब्रिजार्ड चिली, ये संबंध नहीं है, चिनू का संयुक्त राज्य अमेरिका का, सिराको का सिसली से, ब्रिजर्ड का कनाडा का, नॉर्वेस्टर का भारत से संबंधित है, ठीक है। स्थानीय वायु का नाम और रिलेटेड कंट्री के विषय में अगर देखा जाए, सिराको का संबंध इटली स्पेन से, बोरा का इटली से, ब्रिजार्ड का कनाडा से है, यामो का संबंध जापान से, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, वाइज का संबंध फ्रांस से, हबूब का संबंध सूडान से है। इसके अलावा अगर देख सकते हैं नेक्स्ट में, तो इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बेटर। देखिए हम लोग आज के सेशन में चलेंगे, देखेंगे जो कि चैप्टर नंबर 11 है कि जल संधियां और महासागरीय गर्त के विषय में देखेंगे। इसमें से जो देखेंगे सबसे पहले द स्ट्रेट जल संधियों के विषय में देखेंगे। देखिए जल संधि जल डमरू मध्य जो कि दो विभिन्न जो जल राशियां होती हैं उसी को जोड़ने का काम करती है जल डबरू मध्य या जल संधि, ठीक है।
और दो स्थलखंडों को अलग करती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अगर देखा जाए तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करती है। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है, बेरिंग जलडमरू मध्य देख सकते हैं जो कि एशिया और उत्तरी, देखिए ये इतना जो कि नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका एशिया है, ठीक है, ये दोनों को बेरिंग जल संधि जो कि अलग करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यह जो कि बेरिंग जल संधि रूस के, ये देख सकते हैं इसका जो देशांतरी देखा जाए तो 169 डिग्री 43 मिनट है, ठीक है, पूर्वी देशांतर, जबकि रसिया का ये पूर्वी है, वहीं पर रूस की सबसे पूर्वी भाग, और वहीं पर देखा जाए तो पश्चिम में अगर देखा जाए 168 डिग्री 05 मिनट जो कि पश्चिमी देशांतर पर अलास्का के, यहाँ पे देखिए अलास्का ये वाला पार्ट है, यहाँ का अगर देखा जाए तो जो देशांतर है 165 डिग्री 5 मिनट है, ठीक है। तो ये अलास्का का पश्चिमी भाग हो गया, अलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी भाग, इसके अलावा जो कि रसिया का पूर्वी भाग जो कि आपने देख लिया 169 डिग्री 43 मिनट, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो 92 किलोमीटर चौड़ी इसका टोटल जो अगर चौड़ाई देखा जाए तो 92 किलोमीटर है, और यह जल संधि उत्तर में चुकची सागर जो कि आर्कटिक सागर का भाग है, इसको दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर से जोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जो संधि है उसको बोलते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर देख सकते हैं यूरोप और अफ्रीका को दोनों को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, जोड़ती है, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके अलावा देखा जिब्राल्टर जो जल संधि इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, जिब्राल्टर के विषय में आपने देखा, बेरिंग के विषय में देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा डोबर जल संधि, डोबर जल संधि जो कि है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोबर जल संधि, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को ये जोड़ता है, डोबर जल संधि, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए हम लोग इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर ये डोबर जल संधि में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंग भी बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाक जल संधि, देखिए पाक जल संधि आप देख सकते हैं ये अपने प्यारा देश भारत से संबंधित है, तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को जोड़ती है पाक जल संधि, ठीक है। यह बंगाल के खाड़ी को मन्नार की खाड़ी में जोड़ती है, ठीक है। अगर इसकी टोटल चौड़ाई देखा जाए तो 64 से लेकर 137 किलोमीटर है, और इसका जो नामकरण किया गया जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर उस समय थे जो 1755 से लेकर 1763 तक रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। वहीं पर देखा जाए हारमुज की जल संधि जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है, हारमुज जल संधि, ठीक है। तो आपने देख लिया मोस्टली आपने जो इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए मलक्का क्वेश्चन आ सकता है, मलक्का कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं मलक्का है, ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को ऐड करता है, जोड़ता है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। वहीं पर देखिए सुंडा जल संधि के विषय में, देखिए सुंडा जल संधि है ये किसको किसको अलग करता है, तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को अलग करता है, ठीक है, ये आपको इंडोनेशिया में अवस्थित है। वहीं भी देखिए यूकाटन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूकाटन कहाँ पे है, ये आपको मैक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में यूकाटन है, आप देख सकते हैं ये मैक्सिको है, मैक्सिको खाड़ी है और कैरिबियन सागर है, ये मैक्सिको और क्यूबा में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूकाटन। इसका देखिए ओरंटो कहाँ पे है, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य है ओरंटो, ठीक है। तो ओरंटो के विषय में आप देख सकते हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इटली में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, बाब अल मंदेव यहाँ देख सकते हैं, यह यमन और जिबूती में स्थित है, बाब अल मंदेव जल संधि, ठीक है, लाल सागर और अदन की खाड़ी। वहीं भी देखिए कुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत सागर को यहाँ पे कुक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कुक तस्मान सागर और
दक्षिणी प्रशांत सागर न्यूजीलैंड में है। वहीं पर देखिए मोजाम्बिक चैनल के विषय हम देखा है, तो हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल है। हिंद महासागर में क्या है? मोजाम्बिक चैनल, इसको आप देख लिया। नार चैनल के विषय में एक बार देख सकते हैं, नार चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, नार चैनल है यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा। आयरलैंड और इंग्लैंड को वहाँ पर अवस्थित है। टोरेस, टोरेस जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है, टोरेस जो कि ऑस्ट्रेलिया और मध्य गिनी के मध्य अवस्थित है, टोरेस जलसमुद्र, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। इसके अलावा देखिए डेविस, डेविस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है डेविस जलसंधि से। डेविस जलसंधि कहाँ पूछ सकता है? तो आपको बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच डेविस है, बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर, तो ये आपको ग्रीनलैंड में मिलेगा, ठीक है। ग्रीनलैंड और एक कनाडा को सेपरेट करता है डेविस जलसंधि। इसको देखा, फ्लोरिडा का विषय हम देख सकते हैं, फ्लोरिडा भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडा भी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा से संबंधित है, यहाँ पे अलग करता है फ्लोरिडा जलसंधि। और इसके अलावा देखिए मैगलन है जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है, मैगलन प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के अलावा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर और ये आपको चिली में देखने को मिलेगा। मक्का सार जो कि आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, मक्का सार इंडोनेशिया में, यहाँ पे देख सकते हैं मक्का सार जलसंधि इंडोनेशिया में। और इसके अलावा देखिए लुजोन, लुजोन आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे लुजोन जलसंधि जो कि दक्षिणी चाइना में आपको लुजोन देखने को मिलेगा और फिलिपिन सागर को अलग करता है। इसके अलावा देखिए डोवर, डोवर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोवर के विषय में भी आपने देखा ही, जो कि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेनमार्क, डेनमार्क जलसंधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये आपको डेनमार्क आपको ग्रीनलैंड और आइसलैंड से संबंधित है। पाकिस्तान आपने देख ही लिया है और बेरिंग देख लिया, जिब्राल्टर देख लिया, कोरिया देख सकते हैं, कोरिया जो जलसंधि है ये आपको देखने को मिलेगा जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य, कोरिया जलसंधि है, ठीक है, ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके अलावा कुछ और थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे कि हडसन कहाँ पे हैं, हारमुज की खाड़ी, ये सब आप देख लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जलसंधि, इसको आप देख लीजिएगा कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ से कौन से संबंधित सागर से है, इसको हम लोग सारा देख लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं, जैसे कि क्वेश्चन बीपीएससी हरियाणा पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मलक्का, मलक्का जल डब्ल्यू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक शिपिंग चैनल है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एक शिपिंग और इसके अलावा देखिए इरावडी जो रिवर है इसका संबंध इंडोनेशिया से, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो इरावडी नदी का संबंध म्यांमार से है, न कि इंडोनेशिया से है, ठीक है। इरावडी नदी को क्या बोलते हैं? म्यांमार का जीवन धारा बोलते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए बाप अलमंदेव, बाप अलमंदेव के विषय में आपको देखा है, इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें केवल एक स्टेटमेंट है, जो कि बाप अलमंदेव जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी अरब सागर को जोड़ता है, यह यमन और अफ्रीका के सिंह जो कि जिबूती इरिटिया और सोमालिया के मध्य अवस्थित, इसको देखा है आपने, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं, देख सकते हैं बाप अलमंदेव के विषय में, ठीक है, यमन के पास। लोम्बोक, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जो कि बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है हिंद महासागर से। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए क्वेश्चन आया है आर ओ आर ओ के 2017 क्वेश्चन है, सही सुमिलित करना है, जोड़ना है, कौन सा करेक्ट है? देखिए इसमें किल, किल जो कि इसका संबंध है अल ज्वारमुख व बाल्टिक सागर संबंधित है, किल वहीं पर अगर देखा जाए सू का संबंध, जो सू नहर है इसका संबंध है सुपीरियर झील व ह्यूरन झील से, पनामा का संबंध अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर को, वहीं पर स्वेज का संबंध जो कि है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी से संबंधित है, इसको नहर जो है कनेक्ट करता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किल जो कि एस्चुरी व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, सू जो कि सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, पनामा अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को, और स्वेज जो कि भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है स्वेज, वहीं पर देख सकते हैं युकाटन स्टेट, युकाटन आपने देखा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिको को क्यूबा से जोड़ती है युकाटन, और ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इटली और अल्बानिया का संबंध
और ट्रांटो जरसंधि से पापुआ निगिनी ऑस्ट्रेलिया का संबंध, टारस जरसंधि से इंडोनेशिया और मलेशिया का संबंध है, मलक्का जरसंधि से। कौन सा जनडमरुमत यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है? वह जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसको आपने देखा ही। इसको देखिए, बास्पोरस जो कि जलसंधि है, काला सागर को मरमरा से जोड़ता है। बेरिंग आपने देखा ही, यह जलसंधि बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ता है। डोबर आपने देख लिया है। इसमें से बताना है जो कि नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए, जो कि भारत और पूर्वी एशिया के बीच जो नेविगेशन टाइम है, दूरी कम किए जा सकते हैं। कैसे कम किए जा सकते हैं? इसका कम करने का चांस यही है कि जो सियाम खाड़ी है और अंडमान सागर के बीच का जो भू जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोल दिया जाए, तो इसके वजह से कम कर सकते हैं। 2011 का देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भू संधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोल कर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। मलक्का और जल डमरू मध्य में यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? ये सिंगापुर से होकर गुजर सकते हैं। डोबर जलसंधि जो कि इसका राइट आंसर है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोबर जलसंधि इसको जोड़ता है। तो डोबर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है और फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है। देखिए इसके अलावा देखिए कुछ जलसंधि की विषय दे सकते हैं, मलक्का जो कि अंडमान और अंडमान सागर और दक्षिणी चाइना सागर है, बेरिंग जो कि बेरिंग सागर और चुकची सागर से संबंधित है, अलास्का और रशिया से संबंधित है, डेविस जो कि बेपिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर से, डेविस जो कि ग्रीनलैंड कनाडा संबंधित, जिब्राल्टर आपने देखा ही जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, सुंडा जो कि जावा सागर और मध्य से हिंद महासागर संबंधित सुंडा, इस तरह आप देख सकते हैं। इसका देखिए निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक से निकाली गई सुरंग जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ता है, तो इसको बहुत आसान है, डोवर जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका राइट आंसर है देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो निकट है वो है बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जल डमरू मध्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है और यह बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है, अलास्का और रशिया को अलग करता है। मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिणी चाइना सागर को जोड़ता है, वहीं पर इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। इस तरह आप देख सकते हैं। पाक स्टेट आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच ये जो कि बनाता है, अलग करता है एक दूसरे को। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते हैं। हार्मुज जलसंधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हार्मुज जलसंधि है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये पाया जाता है हार्मुज जलसंधि, ठीक है। 2005 का क्वेश्चन है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को, तो जाहिर सी बात है बेरिंग ही होगा, इसके विषय में आपने डिटेल्स में देखा, दो बार क्वेश्चन आ चुका है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर है बाब अल मंदेब, इसको आपने देखा ही। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज जलसंधि है, ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जलसंधि जोड़ता है। मलक्का आपने देखा ही, मलक्का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिंद महासागर और चाइना सागर के बीच में अवस्थित है। इसके अलावा देखिए मिलान करना है जलसंधि है और किसके किसके बीच में अवस्थित है। जिब्राल्टर का देखिए एक दो भी स्टार्ट, देखिए बेरिंग आपको पता है, बाय द वे और भी नहीं पता रहे तो बेरिंग तो आपको पता ही होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है? ये अलग करता है या मध्य स्थित है एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका मिलान आप चार से करेंगे, जाहिर सी बात है, तो इसका चार से कर दिया, सी का चार से। और जब सी का चार हो गया, देखिए सी में चार कौन है, सी और बी है, तो आप एलिमिनेट करके बी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और नहीं भी पता रहेगा फिर भी मतलब, तो एक पता है तो बाय द वे, ये नहीं पता है तो आपको हो सकता है, मुझे पता है कि आपको जिब्राल्टर जरूर पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट हमेशा न्यूज में रहता था। अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, इसका देखिए ए का थर्ड कौन सा है, ए का थर्ड देखिए ए और बी ऑप्शन में है, तो इसमें थोड़ा सा वो रहेगा 50-50 का रेशियो। अगर एक और पता रहेगा जैसे मलक्का हो गया, तो मलक्का तभी नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, हार्मुज जलसंधि जो कि फारस और ओमान की खाड़ी के मध्य है, इस तरह आपको याद करना। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जो जोड़ता है वो है बेरिंग जलसंधि, ठीक है। वहीं पर देखिए इसका जो सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें 20 का जो राइट आंसर है ये एक भी अष्टमणिज में वो नहीं है,
जोहोर जो कि सिंगापुर सुमात्रा के मध्य है, मलक्का जो कि मलेशिया और सुमात्रा के मध्य है, सुंडा जलसंधि सुमात्रा और जावा के मध्य है, मक्सर जो कि जलसंधि कालीमंतन और सुलेवासी के मध्य है। द बेस्ट इंटरनल वाटरवेज आर फाउंड इन यूरोप। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप आपको पता है सातों महाद्वीप में छठा स्थान रखता है, जो कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल का जो नर्वस पार्ट है वो किसके बीच में है, तो जाहिर सी बात है डोवर और कैले के मध्य है। चिली से ब्राजील तक जो तट है के साथ जाने वाले व्यक्ति को पार करना होता है, ये इसका राइट आंसर है ये मैगलन जलडम होगा। ठीक है, किल नहर के विषय में आप जानते हैं, किल नहर जो कि बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ता है, स्वेज नहर आपको पता है लाल सागर भूमध्य सागर, पनामा आपको पता है प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, सू नहर जो कि सुपेरियर लेक के पास में है तो उत्तरी अमेरिका में सुपेरियर लेक को हीरोन से जोड़ता है। कौन सा न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को पृथक करता है, न्यूजीलैंड का तो जैसे कुक स्टेट होगा उसका राइट आंसर। इसके अलावा देखिए जल डबूमत और स्टेट है कि उन कौन से इसमें सही सम्मिलित करना है, देखिए एक भी पता होगा अगर आपको तो एक से भी पता कर लेंगे, डोवर पता होना चाहिए, फ्लोरिडा पता होना चाहिए। देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो बास स्टेट का संबंध है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का, डोविस का कनाडा और ग्रीनलैंड से, डोवर का है यूके और फ्रांस से, फ्लोरिडा का संबंध है यूएसए और क्यूबा से। इसी तरह इसको मिलान करना है, ये सीडीएस के 2016 में है। होर्मुज जो कि भारत की खाड़ी और ओमान संबंधित है, बाब अलमंडे लाल सागर और अरब सागर, मलक्का का अंडमान सागर और दक्षिणी चाइना, वहीं पर सुंडा जो कि जावा सागर और हिंद महासागर से संबंधित है। अब देखेंगे महासागरीय गर्त को, इसको देखते हैं